go fishing area in Shanghai, right? Philippines. It's called a poha. Cycle rickshaw. केम छो नमस्ते, एक नए दिन और एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप जैसा कि देख सकते हो, हम हैं एक बहुत ही बढ़िया कैंपिंग साइट पे। बोट है यहाँ पे, यहाँ पे देखो सारे हमारे टेंट लगे हुए हैं। हम एक्चुअली आए हैं यहाँ पे एक ग्रुप के साथ है, बहुत सारे अलग अलग कंट्री से लोग आए हैं। तो पहले आप ये देखो कि यहाँ पे आने से पहले हमने क्या क्या प्रिपरेशन की। सो गो चेक आउट। कैंपिंग का सारा सामान आ चुका है, अभी 11:30 बजे है। काशु अभी भी उसकी प्रिपरेशन ही कर रही है। मुझे नहीं पता कि हम उठ पाएंगे कि नहीं। बारबेक्यू का सारा सामान रेडी है। गुड मॉर्निंग गाइस, जस्ट अभी हम उठे हैं, 5:30 बजे है शायद। और काशो पीबी बना रही है कुछ। तंदूरी वेज बना रही हूँ। मैंने भी यूट्यूब में पहली बार देखा। हम रेडी है। 7:20 हो रही है और कितनी धूप हो गई। देखो काशु फिर से कुछ ना कुछ भूल ही जाती है। वो वेजिटेबल्स बनाए थे उसने तो वो भूल गए। टैक्सी आ रही है, मैं सोचा लेके आता हूँ। ये रहे देखो, हमारे फ्रेंड्स भी आ गए हैं। अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं दूसरे लोगों का। अभी बस यहाँ पे आएगी। एक्चुअली हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आने वाली है। आई थिंक 9 फैमिली है। जिनशन टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है और बहुत ही बढ़िया जगह है। होप कि बहुत मजा आए, ऐसा ना हो कि हम थक जाए पूरे ट्रिप। काफी बड़ी बस है ये तो। What's your name? Griffin. What's your name? She's Uni. Uni. लोग तो यार कितना सामान लेके आए। हमारा तो बस एक ही बैग है और एक टेंट है। इट्स अ गोट। लोग बकरी देख के ही खुश हो रहे हैं। ये दो। सो ये लोग बोल रहे हैं कि कैंप हम यहाँ पे लगाएंगे, अपनी जगह ढूंढ लो। काफी मुश्किलों के बाद हमारा टेंट रेडी है। सी देयर इज अ कैट आल्सो, दूसरी दो कैट्स है यहाँ पे। डोंट गो इन द वाटर। 100 RMB पर पर्सन, बट उनके पास सिर्फ एक ही है। आर यू अ ब्लॉगर? वेलकम टू जिनशन। वी हैव अ YouTube चैनल कॉल्ड 2.5 ट्रैवलर। 2.5 ट्रैवलर। व्हाट दैट एंड व्हाट? दिस इज बिजनेस। यू आर फ्रॉम चाइना? फ्रॉम फिलीपींस। हमको नहीं पता था, अब जब हमने बात की तब पता चला। ये भाई साहब जो है वो डिस्कवरी में एक होस्ट के तौर पे काम करते थे। सो अभी बारबेक्यू हमारा रेडी हो रहा है। आप देखो कि कितना सारा फूड सब लोग लेके आए हैं, पूरा यहाँ पे भर चुका है। सो मेनी फूड। हाय, व्हाट यू आर ईटिंग? स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। नाइस,
collect some more words? Yes! Go, boys, go! You guys are fine. I think अभी थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा. अभी भी प्रिपरेशन चल रही है. Ready? Hi. Yeah. काश अभी मेरे पास ड्रोन होता तो ये ड्रोन शॉट बहुत ही बढ़िया आता यार. Can you play? Can you play song for me? भी लेके आए बच्चे अभी फिशिंग कर रहे हैं. बॉयज वर्ड प्लीज. सो व्हाट यू गाइस आर मेकिंग? ओह माय गॉड, यू आर नाउ लुक लाइक अ इंडियन. रियली? बड़ी सी फिश पकड़ ली. यहाँ पे भी फिशिंग कर रहे हैं बच्चे. See, they got one more fish. Hold the rope. Hold the rope. Okay, go in more. Hold the fish here. Okay, no. Step on it. Okay, it's already out. It's already out. Now you have to catch it. So, can I take a photo of my fishy? Holy Nemo. Nemo. Thank you. Nemo is so cliche name. Yeah, it is cliche. So अभी हम तो यहीं पे बैठे हैं. लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं. अभी थोड़ी देर में हम भी फिशिंग करने वाले हैं. तो देखते हैं हमारा वेजी बारबेक्यू रेडी है कि नहीं है. So we're gonna eat the whole day, sa buffet. Oh yeah, sure. From 12 to 4. Okay. Let's test kaisa bana hai. Mmm, very good. Kashu ne India ki yaad dila di yaar. It's spicy but little spicy, yeah. Kashu yahan pe sabko pohe baat rahi hai. I used to work in Dubai. I have two colleagues from India. You need more? Then let me try. You can try if you like. Yeah. Very nice. It's called a poha. A poha. Can I get a little bit more? Yeah, sure. Thank you. Kashu yahan pe logo ko poha khila rahi hai. Is it good? It's interesting. It's like sweet and very fragrant. Poha. Potato? Potato. Yeah, it's potato. It's a bit spicy. Yes. It's my first time to try this. Bread crumbs. You put it in the cold place? They told me you have to return it. तो अभी थोड़ी देर हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं और ये जगह को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो लोग यहाँ पे आते हैं टेंट लगा के पूरा रिलैक्स करते हैं. बहुत ही बढ़िया जगह है. सब लोग फिश पकड़ रहे हैं. ऑब्वियसली फूड जो है फेमस यहाँ की फिश ही है. अगर रेस्टोरेंट में बैठ के आपको फिश खानी है तो आप वो भी खा सकते हो. सो अभी जो हम ग्रुप के साथ आए हैं उस ग्रुप में सब लोग हैं. मोस्ट ऑफ जो लोग हैं इस ग्रुप में फिलीपींस के हैं, कोरिया के हैं, चाइनीज है, हम इंडियन हैं, कुछ और भी फॉरेनर्स हैं. तो सब लोग एक दूसरे को अपना फूड शेयर कर रहे हैं. कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज है. हमने भी अपना फूड शेयर किया उनको. पोहा खिलाया हमने उनको. हमारा फूड बहुत स्पाइसी लगा. सो ये चाइना में बहुत ही फेमस डिश है. सोंगसी करके जो एक प्रोडक्ट होता है राइस के साथ खाते हैं. वो प्रोडक्ट इसी में से ही बनता है. ये पत्ते होते हैं. ये देखो यहाँ पे फिशेस भी है. ये पूरा रिसोर्ट है. अगर फिश यहाँ से लेनी है आप ले सकते हैं. व्हाट्स दिस? आई फॉरगॉट. फार्सी मैन. फिशिंग रोड्स भी अवेलेबल है यहाँ पे. इतनी बड़ी जगह पे है ये रिसोर्ट. यहाँ पे रह भी सकते हैं. कमरे हैं सारे. ये लोटस के पत्ते हैं. कितना बढ़िया लग रहा है. ये केरला हो गया, गोवा हो गया, ऐसी कॉटेजेस होते ही है. बहुत ही मज़ा आता है ऐसी जगह पे रहने का.
यहाँ पे भी फिशिंग कर सकते हो, कैंपिंग या ऐसा कुछ करने के लिए ये जगह लेनी है तो भी ले सकते हो। कितनी बढ़िया जगह है देखो ये भी, मतलब हर एक जगह पे उन्होंने एक दो टेबल दिया है, एक बारबेक्यू ग्रिल दे रखी है और आपको छोटी सी जगह मिलेगी। हमने वैसे खाना खा लिया है, अभी 4 बजे तक ये बारबेक्यू ऑन रहेगा। धीरे 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 करके खा रहे हैं। बहुत ही धूप है बट हमको यहीं पे बैठना है, हमको कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे ऐसा ऊंचा डेक बनाया है, इतनी बढ़िया जगह है, लेक ही लेक। आज पहली बार ऐसा हुआ कि वे सो ही नहीं रहा, 2 घंटे से हम कब से इसको सुला रहे हैं। घर ही जाना है। देखो ये स्लाइड्स देख के वो फिर से खुश हो गया। Okay. What's the name? Floor ball. Use the field hockey way of controlling the ball. Oh. You can't have so your stick. You just okay, from here only. Yeah. Doesn't start as high and doesn't finish as high. Okay. Yes, I have. Have you seen the cricket? Very little. Like we used to, like you have to stand. This is a bat, and then you have to. Hi. ये लड़की कितनी चिल कर रही है, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाई फाइव। यू आर सो क्यूट। सो गाइस दिस इज माय फ्रेंड। हाय एवरीवन, बाय द वे जुअर इज फ्रॉम कोरिया and his wife from also Korea. Yeah. Yeah, but basically he is from Philippines. So great combination of the culture. Yeah. So अभी हम सीखेंगे कि फिशिंग कैसे करते हैं। मुझे फिशिंग इतनी आती नहीं, हम इंडिया में इतना फिशिंग नहीं करते, बट ये लोग बहुत ही अच्छा फिशिंग करते हैं। So this is a bait. So this is a fish bait. So these days you don't have the worms, so you have this what you call a fish bait this day. Yeah. You can see in here that this is actually lock. What you want to do is to release it like this. Yes. It's very easy. Yeah. Put your finger around here. And make sure that you have like a few inches here, like maybe like 5. Okay. And then while you're holding this, you just back and throw. Wow. Like that. And when you throw, you have to release your hand. Yeah. And then you just lock it again like this. Then this is how you just reel it in. And you just wait for like 1 year. 1 year. सुबह से हम देख रहे हैं, almost like 3-4 लोगों ने पकड़ी। It's very rare to get the fish. You are whose kid? My dad. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। Oh, they got a fish! Did you get anything? अरे ऐसे कैसे आएगा? तुमसे ना हो पाएगा। लोग सुबह से बैठे Okay, now let's sleep. अभी बजे हैं
4:30. काशु ने तो यहाँ पे इतने सारे फ्रेंड्स बना लिए, काशु के नए फ्रेंड। You can sing some Filipino song. Sing any song you like. No. How many fish you got till the time? Only one. But you? Three. I am completely new. I am noob. No, but you didn't even try. I try. Try? I try. No, but he has got like one in a million tries. I caught the net. Okay. I don't know how to do this. Stop. अभी पैकिंग का टाइम हो गया है तो अभी हम भी पैक कर रहे हैं. हमको बिल्कुल नहीं आता टेंट कैसे फिट करना है वापस. ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना यार. फाइनली कर लिया हमने. एक्चुअली आई नीड टू कम क्लीन, आई डिडंट डू इट, ही डिड इट. टेंट लगाना बहुत इजी था बट टेंट फोल्ड करना, पसीने निकल गया भाई. थैंक यू गाइज. एक्चुअली ये जो जगह थी ना वो थोड़ी ऑब्वियसली पानी के पास थी, बहुत ही ह्यूमिडिटी थी तो बहुत ही पसीना पसीना हो रहा था. सो अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही नज़दीकी मंदिर में. जो हम लास्ट टाइम वाटर टाउन गए थे बिल्कुल वैसा ही है. तो ये एक ओल्ड टाउन है तो हम वही एक्सप्लोर कर रहे हैं. ये देखो पुरानी साइकिल है, जो दिल्ली में होती है ना रिक्शा, साइकिल रिक्शा ऐसी ही है. यहाँ पे भी इतनी पुरानी लग रही है, देखो रोज चलाते होंगे यहाँ पे. आगे कुछ रखा भी है पैसे के लिए. यहाँ पे भी सब चीज़ें मिल रही है. चोंग से मिल रहा है, ये राइस की प्रोडक्ट होती है. किससे बना है वो इंडिया में जैसा होता है ऐसा नहीं है, थोड़ा सीमेंट का है मुझे ऐसा लग रहा है. तो मुझे पता चला कि ये क्ले का बना है, मिट्टी का है ये. One of the oldest tradition. Oh. Yes, it's not that cozy, but oldest. Oh. One of the oldest. That all these are very old. Yeah, it's not that cozy, but something like very meaningful. कलरफुल टर्टल बना दिए हैं इन लोगों ने. ये यहाँ पे हैमस्टर्स, यहाँ पे बर्ड्स मिल रहे हैं. ये भी बहुत ही फेमस वाटर टाउन है. यहाँ पे भी सब चीज़ें मिल रही है, स्ट्रीट है पूरी. सेम वे जूजा जो में भी ऐसा ही है. मैं ऐसे फटाफट से बोल देता हूँ तो किसी को पता ही नहीं चलता. क्या ये ना, इट्स पोटैटो आई थिंक. बन है शायद. देखो ये बहुत ही पुराना कुछ रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे जाने वाले हैं. अभी 6 बजे के उठे काशु, तो मतलब 5 बजे की उठी है तो बहुत ही थक गए हैं हम टेंट लगा के और यहाँ वहाँ घूम के. अब भी हमें थोड़ी जान बाकी है तो हम खाना खाने तो चले गए ही वहाँ पे. सो यहाँ पे चल रहा है हमारा ग्रैंड डिनर, आप देख सकते हैं. सो गाइस आज बहुत मजा आया, बहुत थक गए हम. होप आपको भी मजा आया होगा. आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं. मैं और इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कुछ भी लगा हो, डू कमेंट्स. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.